प्रदेश के उन्नाव जिले से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, लॉकडाउन के चलते पुलिस कर्मियों का हिंदू जागरण मंच ने किया जोरदार स्वागत। लॉकडाउन का अनुपालन कराने वाले लोगों की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों में हिंदू जागरण मंच ने किया फल फूल जूस व भोजन का वितरण। हिंदू जागरण मंच ने आज नगर में लॉकडाउन का अनुपालन कराने वाले लोगों की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को फल जूस व भोजन का वितरण करते हुए नर सेवा ही नारायण सेवा की अपनी इस मुहिम को जारी रखते हुए हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री व प्रभारी विमल द्विवेदी उन्नाव नगर में अपने मंच व संघ के स्वयं सेवकों के साथ जरूरतमंद तक निःशुल्क भोजन पहुँचाने व कोई परिवार भूखा न रहने देने की मुहिम निरंतर जारी रखी। प्रांतीय मंत्री ने बताया कि रोज की भांति फोन पर मिली सूचनाओं पर मोतीनगर वाजिदपुर शिवनगर भागदो बंदुहार काली मंदिर रामकुमार वाली गली लोकनगर आदर्श नगर नहरपट्टी पीडी नगर अस्पताल रोड कोतवाली के सामने झोपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों व दिहाड़ी मजदूरों सहित लगभग 900 लोगों में भोजन पैकेट व आम जनमानस की सुरक्षा व लॉकडाउन का अनुपालन कराने हेतु लगे पुलिस कर्मियों में भोजन व फलों व जूस का भी वितरण किया गया। साथ ही लोगों में साबुन का वितरण करते हुए स्वच्छता के बारे में समझाया गया व भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने व लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में रहने की अपील की गई। इस दौरान मंच जिलाध्यक्ष अजय त्रिवेदी नगर अध्यक्ष विकास सिंह सेंगर नगर महामंत्री धर्मेंद्र शुक्ला युवा प्रभारी मनीष अवस्थी उपाध्यक्ष शिव सेवक त्रिपाठी उपाध्यक्ष शिवम आजाद राजेश शुक्ला मयंक त्रिपाठी आसू चौरसिया अंशु शुक्ला आदि द्वारा अलग अलग स्थानों पर निशुल्क भोजन पैकेट वितरित कराए गए। उन्नाव से प्रभा वाजपेयी की रिपोर्ट। चलो गैप बना के थोड़ा जल्दी नहीं सबको नहीं चलो चलो चलो।